हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? मैं हूँ विम्पी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक रिव्यू शेयर करूंगी और रिव्यू जो है होने वाला है इस प्रोडक्ट पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है वाओ का वाटर सनस्क्रीन स्प्रे। गाइस, ये जो है काफी यूनिक सा मुझे प्रोडक्ट लगा है। अभी तक आप लोगों ने सनस्क्रीन क्रीम यूज किया होगा, लोशन यूज किया होगा, लेकिन मेरे पास जो ये है वो एक वाटर कंसिस्टेंसी का स्प्रे है जो कि बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। गाइज, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं करना चाहती हूँ, और वो ये है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। नीचे दिए गए एक लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के उसके साथ आएगी एक बेल बटन, जिस पर हिट करने के बाद आपको मेरे जो वीडियो की नोटिफिकेशन है मिलेंगे। आपको उसे प्रेस करना नहीं भूलना है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है वाओ स्किन साइंस का वाटर ट्रांसपेरेंट स्प्रे। ये है इसका आउटर पैकेजिंग जो कि कार्डबोर्ड में आता है। बहुत ही सिंपल सी पैकेजिंग है इसकी। और ये है इसकी इनर पैकेजिंग जो कि आती है एक स्प्रे बॉटल के साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैंडी है। और आप इसे कहीं लेकर जाना चाहें तो भी आप इसे आराम से लेकर के जा सकते हैं। और इसका जो SPF है वो है 30। ये सभी स्किन टाइप को सूट करेगा। और गाइस, इसकी जो सबसे अच्छी चीज़ है ना, वो है इसके अंदर पैराबेंस नहीं है, सिलिकन्स नहीं है, मिनरल ऑयल नहीं है, ऑक्साइड कलर नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो केमिकल फ्री है बिल्कुल। ये इसके अंदर कोई भी गलत केमिकल नहीं डाला गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसका जो प्राइस है वो है 399 रुपीज़, जिसके अंदर आपको मिल जाती है 100 ml की क्वांटिटी। गाइस, इसे यूज़ करने से पहले ना आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है। इसे यूज़ करने से पहले आपको अच्छे से इसे इस तरीके से जो है वो शेक करना है, उसके बाद ही इसे यूज़ करना है, ताकि सारे इन्ग्रीडियंट्स जो हैं अच्छे से आपस में मिल जाएँ। दोस्तों, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है उसकी बात कर लेते हैं। प्योरीफाइड वाटर है इसके अंदर, कुछ केमिकल्स भी हैं इसके अंदर जो कि हमारे स्किन के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। रास्पबेरी एक्सट्रैक्ट है, कैरेट सीड है, एवोकाडो ऑयल है, थोड़ी बहुत फ्रेग्रेंस भी है, विटामिन ई है इसके अंदर। और गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ केमिकल्स हैं लेकिन वो हमारे स्किन के लिए हार्मफुल नहीं है। जो हार्मफुल केमिकल्स हैं हमारे स्किन के लिए वो इसके अंदर नहीं डाले गए हैं। और ये प्रोडक्ट बिल्कुल डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, सूथ करेगा और कूल रखेगा। ये आपके फेस पर एक शील्ड बना देगा, जिससे आपको जो सूरज की जो किरणें हैं उससे कोई हार्म ना पहुंचे। और गाइस, मैं आपको ये जो है रिकमेंड करूंगी कि आप अगर कहीं बाहर नहीं जा रहे हो तो भी आप सनब्लॉक क्रीम या ये स्प्रे जो है वो ज़रूर लगाएं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर UVB और UVA के जो जिससे हमें प्रभाव पड़ता है वो सब कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ है। आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। UVB हमारे स्किन की लेयर को इफेक्ट करती है, डिहाइड्रेट करती है और एजिंग का पहला साइन देती है। इलास्टिसिटी जो होती है हमारी स्किन की वो कम होती है। UVA जो है वो हमारी जो स्किन की टॉप लेयर होती है उस पर इफेक्ट करती है, हमारे स्किन सेल्स को डैमेज करती है, हमारी स्किन को डार्क करती है। आपने कई बार देखा होगा, जब भी आप कभी धूप में जाते हैं तो आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल रेड हो जाती है, वो एक्चुअली सन बर्न होता है। और गाइस, रैशेज वगैरह दे देती है। और गाइस, इसके जो मेन इन्ग्रीडियंट यहाँ पर हैं वो हैं रास्पबेरी एक्सट्रैक्ट, कैरेट सीड एक्सट्रैक्ट, एवोकाडो ऑयल और आलमंड ऑयल। ये चार जो है इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं हमारी स्किन के लिए। विटामिन ई होता है और नेचुरल सनस्क्रीन जैसा काम करती है। तो दोस्तों, अभी ना मैं आपको बताती हूँ कि इस प्रोडक्ट को आपको यूज कैसे करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इसकी इनर पैकेजिंग है जो कि एक स्प्रे बॉटल में आती है। इसे आपको खोल करके थोड़ा सा दूर लेकर जाकर आपको आपकी आईज को क्लोज कर देना है। ध्यान रखिए, आंखों पे ना जाए प्रोडक्ट, कोई भी चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो आपकी आंखों में नहीं जाना चाहिए। और बस इस तरीके से आपको स्प्रे करना है आपकी स्किन के ऊपर, और बस हल्के से आपको इसे डैब डैब कर देना है। और गाइस, याद रखिए, जब भी आप कोई सनब्लॉक क्रीम, लोशन, कुछ भी आप यूज़ करें तो इतना ज़रूर ध्यान रखें कि आपको उसे आधे घंटे पहले लगाना है, बाहर निकलने के आधे घंटे पहले ही आपको उसे अप्लाई करना है।
गाइस ट्रस्ट मी, ये जो स्प्रे है, ये जो प्रोडक्ट है, ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। कोई भी स्किन टाइप हो या फिर कोई भी स्किन टाइप हो, चाहे ऑयली हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे एक्ने प्रोन स्किन हो, कोई भी बंदा इसे यूज कर सकता है बहुत ही आसानी से। और दोस्तों इसे लगाने के बाद ना आपका फेस बहुत ज्यादा चिप चिप नहीं करता, जैसे कि बाकी जब हम कोई सन ब्लॉक क्रीम लगाते हैं तो हमारा फेस काफी ज्यादा चिपचिप और ऑयली फील करता है, तो इसे लगाने के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और गाइस दूसरी बात ये, इसे लगाने के बाद ये आपकी स्किन के अंदर बहुत ही अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाती है और बहुत ही जल्दी अब्जॉर्ब हो जाती है। इसे बहुत ज़्यादा आपको आपके फेस पे मसाज नहीं करना पड़ता। हमेशा जब आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ना, कभी भी आपको अच्छे से उसको इस तरीके से ज़ोर ज़ोर से मसाज नहीं करना है। मसाज करना चाहते हैं तो बिल्कुल हल्के हाथों से कीजिए या फिर इस तरीके से डैब कीजिए, ताकि जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से आपकी स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाए। बस इसे आपको अपनी स्किन के ऊपर स्प्रे करना है और बस ऐसे ऐसे हल्के से डैप करना है। और गाइस इसे यूज करने से पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप इसे यूज करें तो उससे पहले आपको इस तरीके से शेक करना है, फिर ही आप इसे अच्छे से यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा है मेरे फेस पर, मुझे सूट भी किया है और हम सारे फैमिली मेंबर्स इसे यूज कर रहे हैं और मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा है। और गाइस अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इसे परचेज कर सकते हैं। अभी तो लॉकडाउन में काफी ज्यादा छूट दी गई है, तो आप इसे अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से जहां पर भी चाहे आप इसे परचेज कर सकते हैं। लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर छोड़ दिए हैं, वहां जाकर के इसे परचेज कर सकते हैं।